नमस्कार दोस्तों, मोदी जी पर फिल्म जो आ रही है उसको तो अभी विपक्ष के विरोध के चलते बंद कर दिया गया, लेकिन अभी एक फिल्म अभी आई है लाल बहादुर शास्त्री जी का, किस तरह से जो उनकी मृत्यु हुई थी वो आज भी रहस्य में है, और उसी से जुड़े सवालों को जानने के लिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी से, जो कि उस समय भी हमारे पॉलिटिकल उसमें थे और शायद जेल भी जाना पड़ा आपको इमरजेंसी इमरजेंसी के दौरान। तो सर आप बताइए कि क्या हुआ था उस समय जो आज भी अभी तक लोग इसका जान नहीं पाए हैं कि क्या लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी या मर्डर था वो। कुछ चीज़ों के रहस्य जो इतिहास में हमेशा रहते हैं, उनमें से ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। 1962 के युद्ध से पहले तक जवाहरलाल नेहरू इस देश के सर्व लोकप्रिय प्रधानमंत्री भी थे, नेता भी थे। 62 में उनको नहीं लगता चीन कभी हम पर हमला करेगा, जबकि सरदार पटेल ने बहुत पहले बोल दिया था, संघ के सरसंघचालक गुरुजी ने कहा था कि हमला करेगा, उनको 58 में बताया था। परंतु उनको लगता चीन मित्र है, भारत चीन भाई भाई। परंतु नेहरू जी उस आक्रमण के बाद बहुत विचलित हुए, दिल भी टूटा उनका, और उसके कारण से वो पैरालिसिस हुए और बीमार होकर 64 27 मई को उनका देहांत हो गया। अचानक प्रधानमंत्री इंदिरा जी को बनाना चाह रहे थे, पर इंदिरा जी उस समय कैबिनेट में नहीं थी, सीनियर मोस्ट गुलजारी लाल नंदा थे, इसलिए गृह मंत्री थे, तो वो कार्यभार को बने। और उसके बाद मुरारजी भाई निश्चित तौर पर बनने चाहिए थे सीनियरिटी के हिसाब से, परंतु मुरारजी भाई को कामराज प्लान में उनको बाहर किया हुआ था। वोटिंग भी हुई थोड़ी बहुत, परंतु शास्त्री जी पर सर्वसम्मति से बन गई, और ये मानते थे शास्त्री जी तो एक काम चलाऊ से प्रधानमंत्री बनेंगे, थोड़े बहुत दिन बाद इंदिरा जी टेक ओवर कर लेंगे। इंदिरा जी इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग और ये मंत्री बन गई शास्त्री जी की। इसमें किसी को नहीं मालूम था कि जब इतिहास या भविष्य करवट लेता है कि पाकिस्तान ने गलती कर दी भारत पर आक्रमण करने की। अयूब खान थे, उनको लगता था कि अभी 62 में भारत हारा हुआ है, डिमोरलाइज है, प्रधानमंत्री कमज़ोर से मौका है कर लो। परंतु उस युद्ध में भारत के सैनिकों ने, भारत की एयरफोर्स ने जो मैं समझता हूँ काम किया, और जो लाल बहादुर शास्त्री ने उनको खुली छूट दी, और देश एकदम खड़ा हो गया उनके साथ। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने, सब ने मेहनत करके और मिलिट्री को इतना उत्साहित किया कि भारत की मिलिट्री ने भारत के उनके साइबर जेट को उड़ाने में, भारत के छोटे छोटे नेट हवाई जहाज, उनके पैटर्न टंक को गिराने में हमारे अब्दुल हमीद जैसों ने गिराए, और उसके कारण से हम बढ़ चले विजय की, और कश्मीर में भी हमने अपना जो खोया हुआ हिस्सा था उसको प्राप्त किया। लाहौर पे भी पहुंचने में 24 घंटे का काम था, सिर्फ इछोगल नहर पार करनी थी, तो पाकिस्तान ने वो पुल तोड़ दिया था। ये हमेशा होता है कि आगे ना बढ़ें तो उन रास्तों को बंद करता है जब आदमी जो हारता है। परंतु दबाव पड़ गया अमेरिका का, रूस का, रूस का दबाव स्वाभाविक रूप से ज़्यादा था, रूस हमारा मित्र देश भी था, परंतु भारत मजबूत बने ये कोई नहीं चाहता था, ना आज चाहता है। क्या यही मौत के कारण का ही वजह था उनका, क्योंकि भारत मैं तीन उसी तरफ पे आ रहा हूँ, से क्यों भारत को स्ट्रांग देखना, भारत सबसे पुराना देश, मिलिट्री में हमने कभी किसी को दुखी नहीं किया, हमने लोगों पर आक्रमण ना करके वैचारिक पहुँचे, हमारे बुद्ध पूरे एशिया में पहुँचे, हमारे बुद्ध ने पूर्व के कारण भारत के जो पुराने लोगों में, महाभारत काल में ये सीरिया इराक जिसको बोलते हैं आज ईरान, ये सब भारत के हिस्से रहे, अफगानिस्तान तो बहुत बाद तक रहा, तो हमने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, परंतु हमारे विचार, हमारे संख्या, हमारे जीरो से लेके गिनती, ये सब हमने दिए हुए देश वर्ल्ड को, और उस कारण हम आगे बढ़ रहे थे। आज़ादी के बाद हमें अपना रास्ता ठीक नहीं चुना था। लाल बहादुर जी गरीबी से आए थे, बहुत अति गरीब, स्वाभाविक से हल्के फुल्के, कद काठी भी छोटा, और उन्होंने जब जोशीले भाषण दिए और सेनाओं का मनोबल बढ़ा, उसे विजय प्राप्त हो रही थी, और मैं समझता हूँ दबाव पड़ा, इनको बुला लिया मास्को में, ताशकंद में, ताशकंद जो आज ताशकंद रूस का हिस्सा नहीं है, यूएसएसआर का हिस्सा, और वहाँ पे वार्ता के लिए बुलाकर और दबाव डालकर एक संधि हो गई कि वे जो जहाँ वहीं रुक जाएं, और जो सीज फायर के टाइम आक्रमण से पहले जो जहाँ था वो अपनी भूमि खाली कर दें। बहुत दबाव में आके शायद लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर करके एक जॉइंट स्टेटमेंट दे दी, घर पर फ़ोन किया, यहाँ से साजिश का थोड़ा थोड़ा खुलासा होगा। उन्होंने पूछा देश में क्या रिएक्शन है समझौते से, तो ललिता जी ने बताया कि देश में जनसंघ ने तैयारी कर ली, आप आओगे तो काले झंडे दिखाएंगे और प्रदर्शन होगा, और देश खुश नहीं है।
तो दबाव में आना स्वाभाविक रूप से, मैं कोई काम कर रहा हूँ घर पूछ रहा हूँ तो वहाँ उनको मैसेज मिला तो थोड़े विचलित हुए ही होंगे, उसके कारण से मुझे लगता है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी हल्की फुल्की, वो थोड़ा हार्ट अटैक आया। ये दुर्भाग्य है कि डॉक्टर करोली साथ थे, कुलदीप नैयर जैसे वरिष्ठ पत्रकार उनके प्रेस सचिव थे वो साथ थे, उनको सूचना ना दे के होटल में उनका जो कुक था उसको सूचना ना दे के उनके कुक ने भोजन बनाया जबकि वो शाकाहारी थे। और लोगों को डाउट ये है कि या तो भोजन में कुछ मिलाया गया या कोई दवाई गलत दे दी कि वो सुबह अचानक ये हो गया कि शास्त्री जी हमारे बीच में नहीं रहे। इस फिल्म के माध्यम से हम देखें तो ये पता चलता है कि जो जांच इस फिल्म में जो दिखाई गई है कि उनको जो इंजेक्शन दिया गया था वो इस तरह का था कि उनको ब्रेन एकदम ब्रेन पे अटैक आए और जिससे जो उनके ब्लैक डेथ के बाद ब्लैक हो गया था शरीर और उस पर माथे पे कुछ वाइट स्पॉट भी थे, उसी इंजेक्शन के देने के बाद ऐसी। अब ये सब चीज़ें क्या कि अब ये क्योंकि जांच कोई हुई नहीं, पोस्टमार्टम हुआ नहीं, हर वीआईपी की डेथ या नॉर्मल डेथ में आजकल किसी की भी एक और इसमें एक चीज़ दिखाई गई बताई गई है कि जो यहाँ रिपोर्ट आई है उसमें 6 डॉक्टरों के साइन थे और जो पहली सबसे जिसने अटेंड किया था उसने हमारी यहाँ जो रिपोर्ट आई है उस पर साइन नहीं थे, जो रशिया में रिपोर्ट थी उस पर 8 डॉक्टरों के साइन है जिसमें उस डॉक्टर के साइन भी हैं। मैंने कुलदीप नैयर की किताब को थोड़ा जो रिव्यू टाइम में पढ़ा है, फिल्म अभी देखी नहीं है, परंतु ये सच है कि यहाँ पर ये एक डाउट था। कुलदीप नैयर ने उस पुस्तक में लिखा भी है, एक मिस्टर धर हैं बंगाल वाले, उन्होंने पुस्तक लिखी है इसकी कि उनकी रहस्यमय मौत थी और ये मांग भी होती है, उनका परिवार भी हल्के फुल्के ढंग से कहता था, दबाव में था कांग्रेस में रहते हुए, इसलिए उनके लड़के को एक बार MP बना दिया, एक को मंत्री बना दिया था उत्तर प्रदेश में ताकि वो चुप रहें, और उनके दबाव में आके उनका संग्रहालय भी बना दिया जो जनपथ पर है, उनका जय जवान जय किसान और वो घाट भी बनाया। ये उनको केवल चुप करने की बात थी क्योंकि नेहरू जी के खानदान में बाद में भी नरसिम्हा राव का स्मारक नहीं बनने दिया दिल्ली में, उनके बॉडी को भी मृतक नरसिम्हा राव जो अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, प्रधानमंत्री थे, AICC के दफ्तर में नहीं उनके दर्शनार्थ रखा गया। इससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय ढंग से मृत्यु हुई, दीनदयाल उपाध्याय जी की रहस्यमय ढंग से मृत्यु हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज भी इस देश में रहस्य को खुलने नहीं दिया, शुरू में क्योंकि समझौता था अंग्रेजों से कि वो प्रिजनर ऑफ वार है, अंग्रेजों के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी, परंतु ये मैंने पढ़ा है उन दिनों जब हम स्कूलों में थे कि विजयलक्ष्मी पंडित नेहरू जी की सगी बहन जो रशिया में हमारी एम्बेसडर रही हैं, उन्होंने भी उनको देखा था कि वो रशिया में जब वो सो काल जहाँ ताइवान में दुर्घटना हुई उस जहाज़ में वो नहीं थे, परंतु उसके बाद रशिया में उनको, क्योंकि मित्र देशों का रशिया ने मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 जीती थी, रशिया बाद में विरोधी हो गया कम्युनिस्ट जो इनके यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, शुरू में सेकेंड वर्ल्ड वार मिल के जीती थी और सेकेंड वर्ल्ड वार में हम जर्मन और जापान के साथ में थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, इसके कारण से वो कैदी हो गए थे। इसलिए आज भी डाउट है कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ कब हुई, कोई कहता है अयोध्या में रहते थे, शालीमार कौन सा बाबा होते थे एक उसमें के रूप में रहे, ट्रंक भी मिले हैं बहुत से, वो भी अभी जाँच नहीं हुई है, सीक्रेट के नाम सीक्रेसी के नाम पर। आप क्या कहेंगे किसको फ़ायदा हो सकता था कि KGB प्रभाव रख रही थी हिंदुस्तान पर, कि KGB या रशिया USSR कहना चाहिए, उनका लक्ष्य था कि भारत के ऊपर हमारा प्रभाव बना रहे, हम अमेरिका के ब्लॉक में ना चले जाएं। अमेरिका ने हमारे 62 के युद्ध में बड़ी मदद की, आइजनहावर ने, उसने खुले कहा था नेहरू जी को कि कोई मदद चाहिए हम रेडी हैं, और रशिया और अमेरिका हमेशा क्रॉस रहे हैं, KGB बहुत स्ट्रांग थी, USSR बहुत स्ट्रांग था उस समय, और उधर CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी थी, तो अब इनके डी क्लासीफाई हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, CIA के कुछ साल तक की वो शायद कोई होता है, इनका 50 साल बाद खुल सकते हैं, KGB की भी चीज़ें अब खुलेंगी। और पुतिन ने जिस हिसाब से मोदी जी को वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार, एक किताब का भी जिक्र किया गया उसमें, परंतु ये बड़ी बात है कि पुतिन ने परसों हमारे मोदी जी को उनका जो सबसे बड़ा, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, वो सबसे बड़ा पुरस्कार जो एंड्रयू संत के नाम पर है दिया गया है, और वर्ल्ड में रशिया से बाहर के लोगों में चीन के राष्ट्रपति के बाद हमारा ही या कजाकिस्तान की, बहुत बड़ा ऑनर। और अब ये इस दोस्ती में दोबारा भगवान करे एक बार मोदी आ जाए तो ये रहस्य खुलेगा,
और रहस्य खुलेगा तो ये जो आज भारत की फैमिली नंबर वन है, जो जन्म सिद्ध अधिकार मांगते हैं, जो अभी भी सोनिया के बच्चों को भी अमेठी साथ में लेके गए हैं, उसमें यात्रा मैं आपसे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये रिहान है, ये अगले तुम्हारे आने वाले देश के हमारे नेता हैं। मैं इसी से जुड़ा आपसे, जब आप इमरजेंसी के समय जेल में थे, कहते हैं उसी समय संविधान में भी सोशलिज्म वर्ड जो यूज़ किया गया वो उस समय किया गया इंदिरा गांधी जी जब थी, कहते नहीं वो रिकॉर्ड की चीज़ है, मैं जेल में गया तो आज जब कांग्रेस सवाल उठा रही है संविधान मोदी जी चेंज कर रहे हैं, तो फिर आप उस समय पहली बार इमरजेंसी में जब ये तय हुआ कि उसको हटना पड़ेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद, वो हटने की बजाय संविधान संशोधन किया और अपनी लाइफ खुद ही बढ़ा ली लोकसभा ने, 5 साल की लाइफ की बजाय 6ठा साल, आपको ध्यान हो 71 वाला चुनाव नॉर्मल वे में 76 में होना चाहिए, उन्होंने 77 में मजबूरी में कराया, और उसी टाइम सेकुलर शब्द पहली बार जुड़ा है, संविधान के मूल में नहीं था, सभा में बहस हुई थी, उन्होंने सेकुलर, हम जन्मजात सेकुलर, भारत सर्वधर्म संभाव में विश्वास करता है, और उसकी शुद्ध हिंदी ये है सर्वधर्म, परंतु सेकुलर शब्द का कोई परिभाषा वर्ड में नहीं है, सोशलिज्म और ये दो शब्द जबरदस्ती जोड़े गए जो हमारी भारत के कल्चर में फिट ही नहीं होते, हम सोशलिज्म की बजाय हम क्या करते हैं, हम मानव धर्म में विश्वास करते हैं, सबको रोटी मिले, सबको कपड़ा मिले, सब सुखी हो, सर्वे भवंतु सुखिना, हम सबकी सुख की कामना करते हैं, उसमें समाजवाद से भी बड़ी चीज़ है वो, इसलिए परंतु ये देश भुलावे में नारों में चलता रहा, 50 साल से गरीबी हट रही है, 70 साल से नारे चलते रहे, 5 साल में जितने काम हुए हैं गरीबों के लिए आज किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही। एक और बात थी जो पिक्चर भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अभी पीछे जो चल रही है, इसमें दिखाया गया है कि उस समय सुभाष चंद्र बोस जी भी उन्हें वहाँ मिले थे लाल बहादुर शास्त्री जी को, और उन्होंने हिंदुस्तान के लिए खबर भी भेजी कि मैं बहुत एक अच्छी खबर हिंदुस्तान के लिए ला रहा हूँ, तो क्या यही वो खबर थी, क्या यही मौत की उनकी वजह तो नहीं बनी कि सुभाष चंद्र बोस जी को अपने साथ ला रहे थे? सर अगर सुभाष चंद्र बोस रशिया में रहे ये तो विजय लक्ष्मी पंडित ने भी कहा, लोगों का ही मानना है कि साइबेरिया जो वहाँ का सबसे बड़ा भीषण वो है उसमें रक्त, पर तो वो जीवित थे ये तो सच्चाई है, उस जो सो कॉल्ड जो प्लेन दुर्घटना है उसमें तो नहीं मरे थे वो, क्यों प्लेन दुर्घटना हुई नहीं है, जो फार्मोसा बोलते थे इसके बाद ताइवान बोलते, परंतु तो उस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं और वो साथ लेके आ रहे हो तो उनको रोकने वाला कौन था, अगर एक ग्रुप में खड़े हूँ आप, परंतु उन पर दबाव तो यही आया कि उन्होंने जो समझौता किया वो भारत में पसंद नहीं किया गया, कि पाकिस्तान से हमारे सैनिकों ने जो युद्ध में जीती चीज़ है वो कश्मीर वाला वो हिस्सा भी हम छोड़ रहे हैं जो हमने हमारा अपना है, आप रशिया इधर वाला हिस्सा छोड़ देते फाजिल्का के लाहौर का समझ, तो दबाव में थे, और दबाव में थे तो उनको हार्ट अटैक तक तो है सच, उसको इलाज के अंदर वो की गई ताकि वो भारत जाएंगे ही नहीं तो काम समाप्त हो जाएगा, तो एक जो अड़चन थी इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनने में, दो अड़चन थी, एक मुरारजी भाई थे कि वो इलेक्शन में जीत ना जाए जब विद इन कांग्रेस में इलेक्शन हो, तो लाल बहादुर शास्त्री उन्होंने बनाए थे कि 6 महीने में अपने आप ही हट जाएंगे, हल्के फुल्के हैं बेचारे सीधे साधे से, ये ऊपर से लड़ाई आ गई और लड़ाई में हम विजय हुए, विजय होने से जय जवान जय किसान। एक और बात भी थी जो दूध की क्रांति थी वो लेकर आए थे पूरे हिंदुस्तान में, आज तक उसमें जय जवान के अंदर दूध भी आ गया कि बहुत सूखा पड़ता था हमारे यहाँ, अनाज की बहुत किल्लत थी, उसको उन्होंने इधर वर्गीज कुरियन को दूध के लिए लगाया, उधर स्वामीनाथन लगे, और एक परिवर्तन उससे सी सुब्रमण्य थे खाद्य मंत्री, उन्होंने मेहनत करके बोरलॉग थे अमेरिकन साइंटिस्ट ये सबको ला लू के चावल की प्रोडक्शन बढ़ाई, और इसीलिए उन्होंने जय जवान और जय किसान जिसमें बाद में अटल जी ने जय विज्ञान जोड़ा, तो एकदम पॉपुलर हो गए थे और उस समय वो स्वयं में नेता बन गए थे, पहले तो लगता ना प्रधानमंत्री होना बड़ी बात नहीं, प्रधानमंत्री देवगौड़ा भी हुए हैं, गुजराल भी हुए हैं, चरण सिंह भी हुए हैं, चंद्रशेखर भी हुए हैं, पर उनको कोई कितने लोग याद करते हैं, इस देश में याद कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, शास्त्री जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, या आज नरेंद्र मोदी को, इतिहास 13-14 में से इनको याद करेगा जिन्होंने कुछ दिखाया करके, और गरीबी से उठ के आने वाले तो शास्त्री जी के बाद अटल जी एक अध्यापक के लड़के थे, अति घोर गरीबी नहीं थी, नरेंद्र मोदी और शास्त्री जी उसमें और सोच एक ही थी उनकी कि गरीब को बिना मांगे उसकी मूलभूत चीज़ें मिल जाएं, क्या आवश्यकता आदमी को, रोटी कपड़ा मकान, शुरू से रोटी के लिए ईंधन चाहिए, ईंधन जो कभी
10 साल पहले तक हमारे भी लोग आया करते एक सिलेंडर गैस का कनेक्शन दिलवा दो। आज इस देश में 8 करोड़ नए कनेक्शन इशू कर दें 5 साल में, उसमें से 6 करोड़ मुफ्त में दे दें, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 5-5 हज़ार रुपये ब्लैक थे और आज घरों में ढूंढते फिर रहे हैं कि इस पर कनेक्शन नहीं। शौचालय के लिए जाना हमने अपने जीवन में भी, जब हम लोग दिल्ली आए हैं पाकिस्तान बनने के बाद, तो खुले में जाना पड़ता था। आज 10 करोड़ नए शौचालय बन जाए, गांधी जी की कल्पना यही तो थी। गांधी जी स्वच्छ भारत चाहते थे, स्वच्छ हो जाएगा तो बीमारियाँ अपने आप कम होंगी, दवाइयों पर आज क्या कि दवाइयों का और डॉक्टर तो बढ़ते जाए, बीमारी भी बढ़ती जा रही। लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री मरता है, कोई सरकार के पास आज भी अगर ITR लगाता है तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई उसके बाद जो उनकी फैमिली ने भी किया, पोस्टमार्टम तक ना होना। हाँ, तो आज तक इससे बड़ा दुर्भाग्य या इससे बड़ी षड्यंत्र का कि हर डेथ का पोस्टमार्टम कंपलसरी है। कितनी सरकारें आज तक 50 साल में भी आई, लिख रहे हैं लोग, पत्रकारों ने देखा है कि शरीर काला या नीला पड़ गया है, पत्नी कह रही है कि ये शरीर इनका ऐसा क्यों हो गया, परंतु चुप करा के और एक बड़ा मान सम्मान। ये एक और बात रिवील हुई है कि जो कट्स के निशान थे बॉडी पर और उनकी जो कैप दिखाई गई है उस पर भी ब्लड के स्टेन्स हैं, तो इस मूवी में वो कैप भी दिखाई गई है। तो ये बात साफ थी कि वो जो दवाई दी जाती है ब्रेन अटैक में, उसमें शरीर जो काला पड़ता है, तो रशियन KGB ने उनके वो ब्लैक सेल्स जो है वो निकाले, तो वो इसीलिए वो ब्लड पे बॉडी पर 50 साल बाद पिक्चर में आप बाद में डिस्क्लेमर लगा देते हैं, हम ये सब आधारित है, सुनी सुनाई बात। हाँ, ये तो इसमें भी मैं इसका ऊन निकल करना पड़ता है। आज 50-52 साल के बाद ऑथेंटिकली कोई ये नहीं कह सकता कि ये कारण थे, परंतु शक है और शक होना समाज के अंदर, किसी भी सरकार के ऊपर अविश्वास होना, सत्ता के ऊपर अविश्वास होना, ये सबसे बड़ा कलंक है उस सत्ता के ऊपर। राम जी ने क्या कहा था, जनता को थोड़ा सा शक है जानकी के ऊपर, सीता पे, एक धोबी को ही शक था, उन्होंने उसको लोक हित में लोगों की मान सम्मान करते हुए सीता को सबसे ज़्यादा प्रिय मानते हुए, एक ही पत्नी है, दशरथ के 3 है, फिर भी उनसे माफ़ी मांगते हुए जानकी को कहा कि आप वनों में जाओ, अलग रह लो, क्यों कि जनता के अंदर ये विश्वास रहना चाहिए कि रूलर जो है वो भगवान का रूप है और वो सच बोलेगा और सत्य को ही मानेगा। ये दुर्भाग्य कि यहाँ इतनी मौत के बाद भी ना कोई उस समय जांच पड़ताल हो रही है। एक साइंटिस्ट को भी मार दिया गया था, भूमि बाबा, जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, और वो भी ऐसे, और सुभाष चंद्र बोस जी तो आए ही नहीं उसके प्लेन दुर्घटना दिखाई गई। वो एक ऐसा देशभक्त था, पारसी था भूमि बाबा, और इस देश में एटम बम अगर आज है तो उसका जनक वही था। आज एटम, ये जो हमारे आसमान के अंतरिक्ष के कार्यक्रम, वो ना होता तो नहीं होते। और एक बाबा तो लोगों को पता है, अभी लिस्ट आ रही है 600 लोगों की जो अस्वाभाविक मौत, वैज्ञानिक हमारे DRDO के, इसरो के, जो जो क्रिटिकल जगह थे, कंप्यूटर बना रहे हैं सुपर, और आप उसके वैज्ञानिक को ही मार देंगे और लाश उसके खेत में मिलेगी, क्योंकि हम बनाने की तैयारी पे थे। क्रायोजेनिक इंजन जो अमेरिका ने देना बंद कर दिया, जब अटल जी ने वो किया, तो हमने अपना परम कंप्यूटर बना लिया, 4 अभी ए सेट बनाया सैटेलाइट को गिराने का, वर्ल्ड की हम 4थी पावर बन गए। मिसाइल हमारी APJ कलाम साहब ने मेहनत करके आगे बढ़े, और आज हम मिसाइल के अंदर वर्ल्ड के बराबर हैं। टैंक हमने अपना तैयार हो गया, हमारा अपना हवाई जहाज़ बना दिया तेजस, जो आज कम्पीट कर रहा है। हमारे को रोक, हमें कोई चीज़ अपनी बनाने ही नहीं दी, जो ब्रिटिश का काम था वो इसी रंग में रंगे हुए हमारे नेहरू खानदान के लोग हैं, जो नकली गांधी भी साथ बन गए, नेहरू गांधी दोनों का। मेरा ये मानना है कि ये देश की जनता समझ, आप कितनी सिमिलरिटीज देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री और नरेंद्र मोदी के अंदर? सिमिलरिटी ये है कि एक सामान्य परिवार से आए व्यक्ति को ये पता है कि लाल मिर्च और हरी मिर्च में क्या फ़र्क है। राजीव गांधी ने जब कहा कि लाल मिर्च महंगी बिकती है, तो उसने कहा सब लोग लाल मिर्च क्यों नहीं पैदा करते, तुम्हारी क्यों पैदा करते? उस भाई को नहीं पता था बेचारे को कि हरी मिर्च ही सूखने के बाद लाल होती है। तो आज इससे पूछें कि शहर के किसी भी आदमी से कि केला का पेड़ होता है या गेहूं का क्या होता, नहीं पता। तो ये लोग सामान्य परिवार से आए हुए, जिनकी माँ ने पोचा लगाया हो, जिसने कोयले से अंगीठी जलाई हो, लकड़ी के उस पर रोटी बनाई, उसे पता है। और ये बताने के लिए मैं कल देख रहा था जयपुर की महारान परिवार की, दिया एक रसोई में जाके रोटी बना के दिखा रही, गाँव वाले बड़े खुश हो गए, अरे हम तो सोचते जिनको रोटी बनानी नहीं पड़ती। तो अपने को आज लोकतंत्र में कि सामान्य दिखाना पड़ रहा है जो नहीं थे,
ये सामान्य थे, ये सामान्य से असामान्य हुए। अरे बहस फालतू ही करते हैं वो। अपने कल मैं पकड़ पढ़ रहा था, मैं अपना पीएचडी डिग्री दिखाऊं जो कम्युनिस्टों का और नीचे, और वो अपनी एमबीए। अब डिग्री से भाई राजनीति में सफलता नहीं मिलती, डिग्री मेरे पास भी सारी है। आपको क्या लगता है जो लाल बहादुर शास्त्री जी जिस तरह से उनके राज में देश आगे बढ़ा, उन्होंने जय जवान जय किसान आज भी जो कि मतलब बिल्कुल वैसा ही है कि उस समय जो था आज भी जीवित है वो, कि आज भी जय जवान हमारे देश पर सीमाओं पर है। मैं कह रहा हूँ किसान के ही 90% बेटे जवान हैं। कल उसने एचडी कुमार स्वामी ने फिर बेइज्जती कर दी। गरीबों के बच्चे सेना में जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता मर जाए तो। अरे गरीबों के नहीं जाते सारे। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों गया था महाराजा पटियाला, देशभक्त आदमी सेनाओं में भेजते हैं। अभी हमारे निशंक मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड, अपनी लड़की सेना में भेजी है, कमीशन लिए पिछले साल, जो एमपी भी है अभी। तो गरीबी के गरीबी मजबूरी में भी सेना में थोड़ी जा रहा है, देशभक्त आदमी सेना में जाते हैं। मेरे कॉलेज से हर साल 50 बच्चे इंजीनियरिंग करके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें देश का हम प्रेरणा देते हैं, देश के लिए जीना है। परंतु देश का किसान ही देश का मैं कहता हूँ जवान है, और उन्हीं के बच्चे आगे बड़े बड़े साइंटिस्ट बन रहे हैं। अब इस बार IAS में टॉपर कौन है, जिसको सोकल आप शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। तो इस देश के अंदर प्रतिभा को पहली बार अवसर मिल रहा है, बिना इंटरव्यू के नौकरियां मिल रही हैं, हर चीज़ में रिश्वती बॉर्ड बॉय लग रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है ना, जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी को पीछे हटा दिया गया, देश आगे बढ़ता है जब देश, और ऐसा प्रधानमंत्री शायद अब भारी ताकतों को पसंद नहीं आता। आज किसी को पसंद होना पसंद, आज भारत इतना ताकतवर हो गया, भारत के 3 करोड़ लोग भारत से बाहर रहते हैं, उन 3 करोड़ लोग हमारे एम्बेसडर हैं, उन्होंने अमेरिका जर्मन सब जगह भारत का प्रभाव बढ़ा के दिखाया। हम वर्ल्ड की 4थी इकोनॉमी बन जाएंगे दिसंबर तक, और 10 साल के अंदर हम चीन और अमेरिका तीनों बराबर पे होंगे। अमेरिका आज कहता जो भारत कर रहा ठीक कर, कभी कहा था इन्होंने सैटेलाइट गिरा दिया कोई बात नहीं, पहले हमें धमकाया करते, सेंक्शन लगती थी, क्यों नहीं लगा रहे? अटल जी ने सेंक्शन की परवाह नहीं की थी ना, गोल्डन हाईवेज बना के दिखाए थे, आने वाले 5 साल में 250-300 किलोमीटर स्पीड की ट्रेन पूरे देश में चलेंगी। गरीब का मन नहीं करता क्या ऐसी डब्बे में जाऊँ? आज कोई आदमी बिना बिस्लरी के पानी में स्टेशन पे देखता हूँ, गरीब से गरीब आदमी बॉटल खरीदता था 14 रुपये, इसने क्या किया 20 पैसे लीटर में RO का पानी स्टेशनों पे ATM लगा दिया 20 पैसे। 12 रुपये खर्चने का मन करता था तो 20 पैसे में काम हो रहा है। ये सोच है कि गरीब 12, 14, 15 नहीं खरीद सकता पानी, उसे भी शुद्ध चाहिए। अनाज 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो सरकार दे रही है ना, खरीद रही है 20 रुपये, किस लिए? कि गरीब का चूल्हा गरीब का पेट भरा होगा तो गरीब का बच्चा ही आगे बढ़ेगा। आपने वो 10 साल मेरे ख्याल से शास्त्री जी की डेथ के बाद देखे हैं, काफ़ी हिंदुस्तान में उथल पुथल रही और जो विकास जो चल रहा था लाल बहादुर शास्त्री, अगर लाल बहादुर शास्त्री जी 10 साल और रहते और प्रधानमंत्री रहते तो आप क्या देखते हैं कि हिंदुस्तान आज कहाँ होता? वो चीज़ जो हम 2014 से 2019 में देखी, अगर शास्त्री जी जीवित होते तो ये काम हम 1970 तक देख लेते। चीन हमसे पीछे था 1990 तक, हर चीज़ में, हर पैरामीटर में वर्ल्ड। 90 में उन्होंने चेंज होना शुरू हुआ, तेंग के टाइम 90 से, और हम भी चेंज होना शुरू हुए। वो आज हमसे 30 साल आगे है। क्यों? कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, वहाँ एक पार्टी का शासन। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं जहाँ साल में 6 चुनाव हैं और हर चुनाव हमारी परीक्षा है। विधानसभाओं के अलग अलग 6-6 महीने में होने, कभी लोकसभा हो रहा है, कभी बाई इलेक्शन आ गया, कभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आ गया, कभी पंचायत आ गया। इतने चुनाव होने से इस देश का लोकतंत्र में एक चीज़ तो जागरूकता बढ़ रही है, परंतु आर्थिक रूप से बोझ बढ़ रहा है। 1952 का चुनाव जितने करोड़ में लड़ा गया था, ऐसे उससे 500 गुना खर्चा बढ़ गया। तो बार बार चुनाव होना और बार बार आप तने रहना, तलवार पे चलना। कोई प्रधानमंत्री 4 महीने का ये सेंक्शन लग गए, मार्च के अंदर घोषणा हो गई और मई तक चलेगा ना यही सिलसिला। कोई नया काम नहीं कर सकते, हमने सैटेलाइट का अनाउंस क्यों कर दिया, इस पर भी चीख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट गिरा दिया, अच्छी शुभ सूचना प्रधानमंत्री नहीं देगा तो कौन देगा? आज पाकिस्तान भारत पर गड़बड़ करेगा तो मुकाबला प्रधानमंत्री को करना है ना। ये थोड़ी है कि चुनाव जब तक नहीं होंगे हाथ बंद करके बैठे रहेंगे, जवाब देंगे जहाँ ज़रूरत होगा, जो करना है वो करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। और उसके लिए नरेंद्र मोदी के ऊपर इस समय देवी कृपा है,
जो आदमी केवल नारियल में 9 दिन रहकर अपना दिनचर्या वही कर रहा है, जो इस देश के लिए 18 घंटे बिना एक छुट्टी ले हुए काम कर रहा है, तो भगवान है और उसका आशीर्वाद होता है। शास्त्री जी पे शायद उसे और अवसर मिलता तो उसे भी मिलना था, पर शास्त्री जी आज ऊपर से आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को ही दे रहे हैं, गांधी जी दे रहे हैं, मुखर्जी दे रहे हैं, दीनदयाल दे रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार, जितने अच्छे परिवार हैं आज इसके साथ क्यों हैं? एक परिवार को छोड़ के कोई नाम ले दो आज इस देश में जिसने देश के लिए कुछ किया हो। एक ऐसा राजा रजवाड़ा बता दो जो देशभक्त है, वो आज मोदी के साथ ना हो। और देश का सामान्य जन साथ है, महिलाएं साथ हैं, महिलाओं को धुएं से आंखें खराब होती वो बच गई, खुले में बेचारी पेट को रोके रखती थी, शौच कैसे जाएं, सूरज छिपेगा तो जाएंगे। आज क्या चाहिए लोगों, सबको मकान मिल रहे हैं, 1.5 करोड़ मकान बन के लोगों को चाबियां मिल गई जिसके अंदर बिजली भी लगी हुई है, शौचालय भी है। और आने वाले समय में 2022 तक इतनी घोषणा कर देना कि बिना बिजली का कोई घर नहीं होगा, बिना गैस के कोई घर नहीं होगा, और आने वाले 5 साल में हर घर में नल से पानी दूंगा, इस विश्वास के साथ कहने वाला कोई था आज तक? सर आप क्योंकि अग्रसेन कॉलेज और मैट के आप चेयरमैन भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप शिक्षक भी हैं एक, तो आज की जो युवा पीढ़ी है सभी ये जानते हैं कि 2 अक्टूबर जो है वो महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है, इसीलिए मनाया जाता है। तो नई पीढ़ी को ये नहीं मालूम कि उस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिवस है, तो ये आप क्या कहेंगे, कितनी अभी अवेयरनेस हमारी जनरेशन के बीच ये क्यों नहीं है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, या हम कहें कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है हमारे पास? आज के जो बच्चे हैं 18, 20, 22 साल के, उनके माँ बाप 40, 45, 50 साल के, जब उनको ही नहीं बेचारों को कुछ पता, क्योंकि स्कूलों से टेक्स्ट बुक से जो जो हमारे देश के लोगों को पता होने चाहिए उसके बारे में, छत्रपति शिवाजी को और औरंगजेब को दोनों को बराबर का अगर आप वो देंगे स्थान, वो 6 लाइन में निपटा देंगे उसको, तो कैसे जानेंगे लोग? आज लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन 2 अक्टूबर है, कितने लोगों को पता है कि उस दिन कामराज का मृत्यु का दिन भी, कामराज कांग्रेस के बहुत लंबे समय अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे, उसका मालूम है क्या किसी? नहीं मालूम, क्योंकि इस देश में इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। आपको जो सवाल पूछा जाएगा, जो इम्तिहान लिया जाएगा, बच्चा उतना ही पढ़ेगा। इसलिए हम कॉलेज में लगातार साल में 40 फंक्शन क्यों करते हैं? विज्ञान दिवस है, मैं किसी से पूछूं किसने नहीं बता पाएगा। विश्व वरैया कौन थे, ये उस दिन मोदी ने चैलेंज किया था कि 3 बार बोल के ही दिखा दें, हमारे राहुल गांधी 3 बार विश्व वरैया बोल के ही दिखा दें, जो भारत रत्न भी रहे, जिन्होंने कर्नाटक में जो भी कुछ आज है उनके, उन्होंने मैसूर का वो डैम बनाया था, कितने लोगों को पता है? भारत सीवी रमन कौन थे, कितने लोगों को पता है? उनके लड़के भी नोबेल पुरस्कार भत रहे, किसको पता है? क्योंकि हम पढ़ा नहीं रहे, हम केवल वो पढ़ा रहे हैं जो मैकाले ने बना के दिया, जिससे हम आत्मस्वाभिमान से जीने वाले व्यक्तियों का निर्माण नहीं कर पाए। हमारे कॉलेज से होने लग गए, ये मुझे गर्व है कि IAS में भी आ गए, इंडियन रेलवे सर्विस में भी, भारत की सेनाओं में, तीनों में हमारे बच्चे, क्योंकि हम उनको एक वो माहौल दे रहे हैं कि हम केवल BTech करा कर छोड़ दें वो नहीं, हम BTech कराने में या BBA कराने में उनको देश के प्रति लगाव कर। अब हम परसों एक फंक्शन कर रहे हैं बड़ा, जलियांवाला बाग के 100 साल, कितने लोगों को पता जलियांवाला बाग कहाँ, यही नहीं बता पाएंगे। फंक्शन क्यों कर रहे हैं कि ये बताने के लिए, उसी दिन रामनवमी के बारे में बताएंगे, उसी दिन कैलेंडर के बारे में बताएंगे, अम्बेडकर के बारे में बताएंगे। अम्बेडकर का वो पक्ष बताता ही नहीं कोई कि पाकिस्तान के सख्त खिलाफ थे, भारत के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। उनका एक शिष्य गलती से जाके वह मंत्री बन गया था मंडल बंगाल से, और उसको 3 साल के बाद पश्चाताप करते हुए भारत वापस आया कि पाकिस्तान में हिंदू रह नहीं सकता। ये अम्बेडकर ने पहले ही लिख दिया था कि भारत का पार्टीशन होगा तो वहाँ से 0 हिंदू रह जाएंगे। आज वहाँ कितने होने चाहिए थे हिंदू? 3.5 करोड़ अगर उस टाइम थे पूरे पाकिस्तान में हिंदू, तो आज वो होने चाहिए थे। अगर हम 32 करोड़ से आज 132 करोड़ हैं तो वो भी तो आज 15 करोड़ होने चाहिए थे। आज मुश्किल से 40 लाख रह गए इधर वाले पाकिस्तान में, बांग्लादेश में 2.5 करोड़ रह गए, क्यों नहीं रह सकते? इस्लाम के अंदर जो ये कहते हैं कि हमें तो जिहाद करना है, पर ये अम्बेडकर ने लिखा हुआ है ये होगा, इसलिए उन्होंने भारत के अंदर छुआछूत समाप्त हो, जाति प्रथा खत्म हो, ये तो उन्होंने कोशिश की, हिंदू विरोधी नहीं थे।
आज हर सनातन भारत माता की जय बोलने में जिनको दिक्कत हो, जिनको भारत के राम के प्रति दिक्कत हो, जबकि इमाम इकबाल साहब सारे जहाँ से अच्छा लिखने वाले भी लिख गए थे, इमामों के इमाम थे राम, और राम के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। ये पाकिस्तान का फाउंडर था इकबाल, वो भी लिख रहा है, परंतु हमारा दुर्भाग्य देखो इस देश में हमने कैसी पीढ़ी निर्माण की, भारत के टुकड़े होंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनाई थी नेहरू जी के आदर्शों के लिए, कब्जा कम्युनिस्टों का हो गया। सारी यूनिवर्सिटी सिस्टम पे इंदिरा जी ने जितने शिक्षा मंत्री बनाए अपने कार्यकाल में, सारे ही वामपंथी बनाए, उसमें से अधिकांश इस्लाम को मानने वाले बनाए। अंत में क्या ये लोगों को कौन बताएगा, मौलाना आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री, उसके बाद नूरुल हसन, और लगातार चल रहे वही चलेंगे, तो भारत की कौन क्या पढ़ाना, ये तो वो तय कर रहे थे ना। अंत में क्या आप आश्वस्त कर पाएंगे देश की जनता को, क्या अगर अगली इस बार आपकी सरकार आती है, मोदी सरकार आती है, तो क्या जो इस फिल्म के माध्यम से एक यंग जर्नलिस्ट ने सवाल उठाया कि राइट टू नो कि हमारे शास्त्री जी की डेथ किसने किस तरह से हुई, तो क्या ये मतलब पर्दे जो हैं मतलब उठेंगे इस तरह से, और आप शास्त्री जी के बारे में अंत में लोगों से क्या आपके मन में यादें हैं वो कहना। मैं लाल बहादुर शास्त्री से मिलने का अवसर मिल गया था मुझे 1966, जब वो ताशकंद गए, उससे पहले हम राष्ट्र रक्षा कोष में स्वतंत्र भारत में स्कूल के बच्चे और अग्निहोत्री के साथ गए थे। मैं उनसे प्रभावित उन दिनों में भी था, मैंने जितना योगदान 62 की लड़ाई में छठी में था, 71 में मैं सिविल डिफेंस में रहा। मैं शास्त्री जी को इस देश का एक आदर्श पुरुष के रूप में गिनता हूँ, और शास्त्री जी की इसीलिए मेरे कमरे में एक फ़ोटो आज भी लगी हुई है। शास्त्री जी के ये पर्दे पूरी तरह तो नहीं उठेंगे, परंतु आज इतनी तो लोगों ने हिम्मत की कि फिल्म बना दी, फिल्म रिलीज ना हो इसके लिए कोशिश करी हुई है, नरेंद्र मोदी की पिक्चर रिलीज ना हो इसकी कोशिश चल रही है, सोमवार को सुनाई, परंतु कितनी कोशिश कर लो ना, चीज़ जो स्पष्ट है वो स्पष्ट है। आज देश की जनता जागरूक है, नए बच्चे जो आ रहे हैं आज 17-18 साल तक कि, मैं समझता हूँ 85-90% पढ़े लिखे हैं, वो अपना भरा बुला समझ रहे हैं, जातिवाद से निकल रहे हैं, और इस देश का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हमने वो गड्ढे सब भर दिए हैं, अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि जिस देश के अंदर सब कुछ था केवल एक मनोभाव और आत्मबल नहीं था, वो हमारे अंदर है। आज इस नासा में सबसे साइंटिस्ट हमारे, अमेरिका में हमारे डॉक्टर ना तो अमेरिका टप हो जाएगा, जर्मन हमारी इज्जत करता है, सारे अवार्ड इस्लामिक कंट्री हमें दे रहे हैं, संयुक्त अरब गणराज्य में, यूएई में सर्वोच्च सम्मान, पहला मंदिर बन गया अबू धाबी में, जो कल्पना भी नहीं कोई नहीं कर सकता था। तो जितने शक्तिशाली होंगे उतनी कदर होती है गाँव में शहर में, किससे डरते हैं लोग, या तो बहुत विद्वान हो या थोड़ा दबंग हो, उसी से लोग शर्माएंगे, उसी से डरेंगे। तो आज भगवान की दया से हमारे मोदी जी, ना भ्रष्टाचार उनके पास नज़दीक नहीं फटका 5 साल में, कोई आरोप नहीं, सबको साथ लेके चल रहे, और जो कहते हैं मन में वो कहते हैं, ये भय नहीं है। आज उसके राज में मंत्रियों की ये हिम्मत है, परसों मेनका ने सिंपल कहा है समझाने के ढंग से, उसको भी आज का मीडिया, क्योंकि बेचारा पढ़ा लिखा कम है, डिग्रियों से नहीं पढ़ा होता, उसने कह रहा है कि भाई जो मुझे जिस बूथ पे वोट नहीं मिलेंगे वो आएगा तो मेरे से उतना काम नहीं ले पाएगा, तो समझाने के ढंग से हम भी कहते हैं क्या गलत है इसमें। तो आज देश की जनता जागरूक है, आज रामनाथपुरम रामेश्वरम में भी सभा में उतनी भीड़ है उतनी कश्मीर में है, देश एक है, देश के अंदर बहुत शक्ति है, देश की नदियाँ जुड़ेंगी, देश के लोगों का मन जुड़ेगा, देश के आवागमन के साधन तेज़ी से बढ़ेंगे, तो इस देश में सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, आयुष्मान भारत बनेगा, शास्त्री जी का भारत भी बनेगा, और शास्त्री जी के सपने आज साकार हो रहे हैं। उनका खुद ग्रैंडसन उत्तर प्रदेश में हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, अपना बच्चे हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस का भतीजा चुनाव लड़ रहे हैं, मुरारजी भाई का परिवार नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रहा है, गांधी जी के परिवार के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं असली गांधी के, और नकली गांधी में से भी मेनका गांधी और वरुण गांधी हमारे दो सांसद के रूप में आ रहे हैं, क्यों उनमें देशभक्ति का भाव जागृत है, मिक्स ब्रीड में चलता है ये, परंतु वो जागरूक है, तो आज दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और गरीबों के लिए मेहनत कर रहे हैं, पिता तुल्य की वो देते हैं संगली उनको, वरुण गांधी सच्चाई कभी छिप नहीं सकती,
ये शुरू से भारत के शाश्वत सत्य है, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी रुक नहीं सकती और नकली में से आ नहीं सकती। ये ऐसा जमहूरा है कि इसको 15 मिनट बिना कागज़ के लगातार किसी इंटरव्यू दे दे किसी को, तो भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली 19 से बात करने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जो बातें आपने बताई, शायद फिल्म में भी शायद कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपने बताई। मुझे फिल्म देखनी पड़ेगी, आप लोगों ने मेरे से इतने सवाल पूछे, और विवेक अग्निहोत्री एक मजबूत और ये ऐसा फिल्म बनाने वाले, ये फिल्म तो मेरे ख्याल से हर देश के युवा को देखनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, हर फैमिली अपने बच्चों को ले जाके ये फिल्म देखे। जो सलमान शाहरुख खान की फिल्में देखते हैं, ये फिल्म देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि देश के बारे में जानने को मिलेगा। मैं दोनों विवेक का, क्योंकि विवेकानंद का असर कुछ तो नाम में आएगा ही ना, विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म है और विवेक ओबराय की, वो भी मुझे लगता है मंडे तक परमिशन आ जाएगी, ट्यूजडे तक फिल्म देखनी चाहिए। देखने से जो कुछ स्वीकार करना है वो स्वीकार करें, जो पसंद स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है तो वो केवल लेफ्टिस्ट को, कुछ देश तोड़ने वालों को नहीं, वो सबके लिए, राष्ट्रभक्तों के लिए उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए तुमने इंटरव्यू लिया और दिल्ली 99 हाँ जी के सारा स्टाफ सबको बधाई, देश के लिए, सच्चाई के लिए और सही खबरों को पॉजिटिव वे में लोगों को देते रहें, ये मेरी आप लोगों से इच्छा है। धन्यवाद।